इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, ये हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप है। इसमें सबसे पहले कमांड हमारे पिक्चर की है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे पिक्चर पे। अब हमने कहाँ पे पिक्चर रखी हुई है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर रखी हुई है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया और इसको इंसर्ट, ये पिक्चर हमारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। अब हम इस पिक्चर का साइज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो ये कम हो रहा है साइज़, इसी को खींच के पीछे हम ला रहे हैं, इसका साइज़ बढ़ रहा है। या यहाँ से भी हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो छोटा हमने ये पिक्चर का साइज़ ज़्यादा हो गया, कम करना है। यहाँ पे क्लिक किया, कम किया, यहाँ से एरो बना के नीचे किया, ज़्यादा हो गया ये। तो इस प्रकार हम पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास, ये क्लिक किया हमने, अगला है इंसर्ट की अगली कमांड है ऑनलाइन पिक्चर। अगर हम ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पे बताना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके हमारे पास ये ऑनलाइन पिक्चर आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लावर ये आए तो यहाँ पे हम सर्च बार में फ्लावर भरेंगे और इसको सर्च करेंगे। ये सर्च हो के हमारे पास फ्लावर यहाँ पे आ गए। अब कौन सा फ्लावर हमें चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी फ्लावर हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो ये चाहिए, इंसर्ट किया, ये यहाँ पे पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। अब ये पिक्चर का साइज़ अगर ज़्यादा है, हम इसे कम करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसे इसको खींच के इसका साइज़ कम करेंगे। ये देखो और कम करना है, और इसको ऐसे कम करेंगे, यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ से भी साइज़ इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो गया, कम करना है तो ये देखो ऊपर ले गए हम, ये कम हो गए। तो इस प्रकार हम ऑनलाइन भी यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो हमारे अगली कमांड है, ये हमने इसको डिलीट किया, ये इसके बाद इंसर्ट पे गए। अगला है हमारे पास शेप्स। अगर हमें कोई भी शेप यहाँ पे चाहिए, जैसे सपोज करो हमें यहाँ से कोई भी शेप हमने उठाई, ये उठाया और यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे, ये देखो ये शेप यहाँ पे बन जाएगी। ये शेप बनने के बाद इस शेप का भी साइज़ हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो अगर हम इस शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से एरो बना के इसको रोटेट भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखो रोटेट हो रहा है ये, और यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। और शेप चाहिए, ये एक शेप होगी, और शेप चाहिए तो हमने क्या करना है, ये फिर इंसर्ट पे जाना है। ये सपोज कर कहाँ पर चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहाँ पे ये शेप आ जाएगी। इंसर्ट शेप, और शेप चाहिए, सपोज करो ये शेप चाहिए हमें, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग किया, ये शेप आ जाएगी। ये देखो ये शेप हमारे पास आ जाएगी, इसका भी साइज़ हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग शेपें अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है अगला हमारे पास इंसर्ट आइकन्स। ये जो आइकन्स हैं ये MS World 2019 में ऐड किए गए हैं। तो अगर हमें आइकन्स चाहिए तो हम यहाँ पे आइकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये आइकन यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखो अलग अलग इनकी कैटेगरी है, जो भी चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे एरो का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे जो भी, उसके बाद यहाँ पे लैंडस्केप, ये देखो इस
या एजुकेशन के आ जाएंगे, जो भी हमें यहाँ से चाहिए वो यहाँ पे ये आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये देखो यहाँ पे ये आइकन आ जाएगा, इसे हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आइकन भी अपने इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आइकन आ गया ये बन के। ये इसके बाद यहाँ पे ये आइकन हमने यहाँ से फिर डिलीट किया। अगला है हमारे पास इंसर्ट पे 3D मॉडल्स। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3D मॉडल क्रिएट करें, तो यहाँ पे 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे। 3D मॉडल पे क्लिक करने के बाद ये देखो अलग अलग इसमें कैटेगरीज आ जाएंगे, जो भी चाहिए यहाँ पे उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जो भी है, हमें लगता है कि ये हमें अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना है। सपोज करो ये लेटर है, ये लेटर आपने अपने डॉक्यूमेंट पे चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया। अब लेटर, ये सभी लेटर आ जाएंगे। सपोज करो हमें कौन से, यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो भी लेटर चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सपोज करो यहाँ पे बी किया, इंसर्ट किया, तो ये यहाँ पे बी 3D मॉडल में आ जाएगा। ये देखो 3D मॉडल में आ जाएगा। इसे भी हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब इसको 3D मॉडल में हम रोटेट कर सकते हैं। ये देखो ये 3D मॉडल में रोटेट हो रहा है। ये अब जो भी जहाँ भी हम इसको छोड़ेंगे वैसे ये बन के आ जाएगा। सपोज करो ऐसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे छोड़ दिया, ये इसमें बन जाएगा। या इसकी 3D मॉडल और इसकी शेप अपने हिसाब से चेंज करनी है आपने। सपोज करो ऐसे रखना है ये, तो ये इस शेप में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम 3D मॉडल में इसको ला सकते हैं लेटर को। तो ये देखो 3D मॉडल में ये जा रहा है ये, तो ये हमारा 3D मॉडल है। तो इसे 3D मॉडल कहते हैं। ये 3D मॉडल में हमारा ये चेंज हो रहा है ये। इसके बाद अगला है हमारे पास, ये डिलीट किया हमने, अगला है हमारे पास स्मार्ट। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे हम। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट है, जैसे लिस्ट पे क्लिक किया है ये लिस्ट आ जाएगी। आगे प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे आ जाएंगे ये सभी स्टाइल आएंगे। सपोज करो प्रोसेस पे मैंने फर्स्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगी, यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा है ए, अगले पे लिखा मैंने, यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट पे, और बी अगले पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सी लिखा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और आ जाए, तो हम यहाँ पे ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। ये देखो आगे एक और बन जाएगा ये, यहाँ पे मैंने डी लिखा। और चाहिए तो हम ऐड पे जाएंगे, ये देखो एक और बन जाएगा ये डी। ये देखो ए बी सी डी, इसके बाद सपोज करो यहाँ पे मैंने ई लिख रहा है, तो ये यहाँ पे ई आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ये आगे अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट, ये देखो राइट टू लेफ्ट, यहाँ से ए बी सी डी ई आ गया। अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट किया फिर, तो ये ए बी सी डी ई, इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। ये सपोज करो ये हमें ये यहाँ पे क्लिक किया, आगे मूव डाउन नीचे ले जाना है। ये देखो ये आगे जा रहा है, इस हिसाब से आगे आगे जाएगा ये। तो मूव डाउन, ये देखो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। ये देखो अगर ये ए हमने यहाँ पे इस जगह लाना है ये, तो मूव अप, ये देखो मूव अप, ये मूव अप हो रहा है ये। तो इस प्रकार हम ये चेंज भी कर सकते हैं ये। तो ये हमारा ये स्मार्ट आर्ट हो गया ये। इसके बाद है यहाँ पे, इसको हमने डिलीट किया। इसके बाद चार्ट की, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अलग अलग यहाँ पे चार्ट आ जाएंगे। ये देखो अलग अलग यहाँ पे चार्ट हैं, जो भी स्टाइल हमें यहाँ पे चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना है। सपोज करो मुझे कॉलम चाहिए, और कॉलम पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट पे, और ओके कर दिए। ओके करने के बाद ये हमारे पास बन के आ जाएगा।
टू थ्री और ये कैटेगरी फोर है ये, तो इसके अपने हिसाब से यहाँ की वैल्यू जो है उस हिसाब से ये बन के ये ग्राफ आ गया है ये। तो सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये नेम लिखा, ये सपोज करो यहाँ पे नेम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जैसे सपोज करो रोहित, मैंने ये नेम लिखा यहाँ पे, उसके बाद मोहित लिखा, उसके बाद राकेश लिखा, इसके बाद सुरेश लिखा, ये नेम लिख दिए यहाँ पे मैंने। इसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखा मैंने इनके सब्जेक्ट, यहाँ पे सपोज करो मैथ्स यहाँ पे लिखा, अगला लिखा मैंने कंप्यूटर साइंस, इसके आगे लिखा मैंने हिंदी लिखा, यहाँ पे नंबर भर दिए। ये देखो जो नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो नेम यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ये रोहित है, मोहित है, राकेश है, सुरेश है। अब यहाँ पे इनके ये सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे नंबर मैंने भरने हैं। सपोज करो ये रोहित के नंबर मैथ में मैंने यहाँ पे भरी है 78, ये देखो 78। ये ग्राफ जो है, ये जो कलर है ये मैथ का है, ये कलर मैथ का है, ये कितने तक गया है 78, ये देखो 78 तक गए यहाँ पे नंबर गए इसके। अगला कंप्यूटर साइंस, ये देखो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मैंने इसके नंबर भरे 88। ये देखो अगला ग्राफ, ये जो हमारा है ये 88, ये देखो ये कलर जो है ये कलर शो कर रहा है कंप्यूटर साइंस के नंबर। अगला है हिंदी, तो हिंदी भी मैंने यहाँ पे भरा ये 75, और 75 क्लिक किया, ये देखो 75, ये जो कलर है ये है हिंदी का, ये देखो कितने तक गया ये 75, ये हमारा 75 हुआ। अगला मोहित है, इसके मैथ के नंबर मैंने भरे सपोज करो यहाँ पे 45, अगले के भरे मैंने 66, अगले के भरे 58, ये देखो उस हिसाब से ये ग्राफ बन गया। इसके बाद अगला हमारे पास ये राकेश के नंबर मैंने यहाँ पे भरे 58, उसके बाद 65, उसके बाद 45, ये देखो अगले के नंबर आ गए। आगे सुरेश के नंबर मैंने भरे यहाँ पे 91, उसके बाद 52, उसके बाद 44, तो ये मैंने अगले सुरेश के नंबर यहाँ पे भर दिए, ये देखो उसी हिसाब से ग्राफ ये बन गए। तो इस प्रकार हम ये ग्राफ बना सकते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रोहित, इसका ग्राफ बन के आ गया सब्जेक्ट का, कितने कितने मैंने नंबर लिए हुए हैं, जैसे मैथ, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, अगला मोहित है, उसके बाद राकेश है, उसके बाद सुरेश है, तो ये बन के आ जाएगा। ये बनने के बाद अगर हम यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक्सिस, उसके बाद ये टाइटल्स ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये टाइटल ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हमें टेबल चाहिए तो टेबल पे क्लिक करेंगे, ये देखो डाटा लेबल्स, ये है हमारे पास डाटा लेबल्स। डाटा लेबल के बाद अगर टेबल चाहिए तो टेबल पे क्लिक करेंगे, ये देखो टेबल आ जाएगा, ये तो टेबल में जो जो हमने नंबर भरे हुए हैं ये नंबर आ जाएंगे। तो ये टेबल चाहिए तो टेबल, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया टेबल चला जाएगा। अगर डाटा लेबल, ये हमारे पास डाटा लेबल है, ये जितने जितने हमने नंबर लिए हुए हैं उस हिसाब से लेबल बना हुआ है ये, अगर ये भी नहीं चाहिए यहाँ से हटा देना इसको, ये चला जाएगा। तो अगर इसके बाद है ग्रिड लाइंस, ये नहीं चाहिए, ये जो लाइनें हैं ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये भी चली जाएगी। तो इस प्रकार हम अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं ये। इसके बाद है अगला हमारे पास फिल्टर, ये जो है फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फिल्टर आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास हमें क्या चाहिए, केवल कंप्यूटर साइंस के नंबर यहाँ पे चाहिए या हिंदी के नंबर चाहिए, सपोज करो हिंदी के नंबर चाहिए, तो
तो यहाँ पे मैं ये क्या किया हुआ है, सिलेक्ट और किया हुआ है। यहाँ पे ये भी बंद किया, ये भी बंद किया। हमें क्या चाहिए, ये रोहित, मोहित, करके, सुरेश, ये सभी के किसके नंबर चाहिए, हिंदी के नंबर चाहिए। अप्लाई किया, ये देखो ये जो कलर है ये वाला रह जाएगा, बाकी सारे चले जाएंगे। ये देखो बाकी दो सब्जेक्ट मैथ और कंप्यूटर साइंस अनचेक किया हुआ है, ये नहीं आएंगे। केवल चेक किस में है, हिंदी में, ये आ जाएगा। अप्लाई किया, ये देखो रोहित, मोहित, राकेश, सुरेश, ये जो नंबर है ये किसके नंबर है, ये हिंदी के। ये देखो हिंदी पे क्लिक है, इसी के नंबर यहाँ पे है। अगर हमें दो सब्जेक्ट चाहिए, मैथ वाला भी चाहिए, ये देखो मैथ कंप्यूटर साइंस में चाहिए, मैथ और हिंदी। अप्लाई किया, ये देखो ये मैथ वाला, ये हिंदी वाला, ये दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, बाकी कट हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट। इसके बाद ये तीनों सब्जेक्ट लिए, अगर हम चाहते हैं कि दो ही आए, रोहित और मोहित का यहाँ पे ग्राफ बन के आए, बाकी हमारे पास ग्राफ नहीं आए, तो यहाँ पे हम ये राकेश, सुरेश ये कर दिए। तो अगर हम इसके बाद ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो ही, ये हमारे पास रोहित मोहित आएंगे, बाकी कट हो जाएंगे। ये देखो रोहित मोहित और ये सब्जेक्ट हमारे पास सभी हैं, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, और बाकी जो है ग्राफ जो है हमारे पास रोहित और मोहित का रह जाएगा। तो इस प्रकार हम ग्राफ अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हो गया। ये होने के बाद अगली जो हमारी कमांड है, यहाँ पे सपोज करो मैंने कर्सर रखा, अगली यहाँ कमांड जो है इंसर्ट टैब पे जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्या क्या चाहिए मुझे, जैसे सपोज करो मुझे ये चाहिए, ये इतना सा चाहिए, तो इतना सा मैंने स्क्रीनशॉट चाहिए, ये क्लिक किया, ये लिखो, ये स्क्रीनशॉट हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमने हर एक कमांड के बारे में जाना कि क्या क्या होता है, जैसे ये जो जितना भी ग्रुप है इसके बारे में जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। धन्यवाद।